अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इंग्लिश में लेसन नंबर 5 द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर, ये हमारा टॉपिक है। लेसन नंबर 5 द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। आप लोगों ने अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनी होगी और अलादीन के चिराग की कहानी सुनी होगी। तो इस तरह से जो ये कहानियाँ हैं, ये अलिफ लैला की जो स्टोरी की बुक है, जिसको इंग्लिश में 1001 बुक या अरेबिक स्टोरीज़ कहा जाता है, तो उसमें से ली गई ये स्टोरीज़ है। तो ये जो स्टोरी आप लोग आज सुनेंगे और लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो ये स्टोरी है सिंदबाद की। इसकी स्टोरी है ये सिंदबाद द सेलर की स्टोरी है। सिंदबाद ये एक ऐसे इंसान का नाम है जो जहाजरा था। जहाजरा का मतलब होता है जहाज चलाने वाला। कौन सा जहाज चलाने वाला? हवाई जहाज नहीं, हवाई जहाज चलाने वाले को हम पायलट कहते हैं। हवाई जहाज चलाने वाले को पायलट कहते हैं, और जो पानी का जहाज चलाता है उसको सेलर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेलर। तो ये जो स्टोरी है, ये सिंदबाद द सेलर की स्टोरी है। और ये अलिफ लैला की जो स्टोरीज की बुक है उसमें से ली गई है, जिसमें से आप लोग ने अलादीन का चिराग और अली बाबा 40 चोर वगैरह की जो कहानियाँ आप लोग सुनते आए हैं, उसमें से ली गई ये कहानी है सिंदबाद का जहाज़ी सफ़र। तो ये जो सिंदबाद था वो हमेशा सफ़र पे रहता था। कौन से सफ़र पे? जहाज़ के सफ़र पे, पानी के जहाज़ के सफ़र पे। तो इसमें इसका पहला सफ़र बताया गया। सिंदबाद के 7 सफ़र थे, कुल 7 सफ़र, 7 सफ़र थे। तो उसमें से इसका पहला सफ़र ये स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टोरी, द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर। यानी ये स्टोरी है सिंदबाद जहाजरा की। द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हिज 7 फैंटास्टिक वोएजेस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वोएजेस। वोएजेस का मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ है वोएजेस। वोएजेस का मतलब होता है पानी का सफ़र। वोएजेस यानी पानी का लंबा सफ़र। और ये है फैंटास्टिक यानी हैरतनाक। तो और 7 सिंदबाद के 7 हैरतनाक वोएजेस थे, फैंटास्टिक 7 सफ़र थे। तो ये जो स्टोरी है वो पहली स्टोरी ली गई है। कौन सी बुक से ली गई है? ये 1001, ये बुक का नाम है 1001 नाइट्स। ये बुक में से ये स्टोरी ली गई है सिंदबाद की। और यहाँ पर इसके बारे में देखिए बताया गया है कि द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हिज 7 फैंटास्टिक वोएजेस। फैंटास्टिक वोएजेस मतलब उसके 7 सफ़र की कहानी इसमें है। अपीयर्स इन द ह्यूज कलेक्शन of stories, appears in huge collection of stories। देखिए यहाँ मतलब बड़ी कहानियों का कलेक्शन है, उसमें से ये कहानी ली गई है स्टोरी। 1001 नाइट्स और द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स उसको, उस स्टोरी की बुक को अरेबियन नाइट्स भी बोलते हैं। द स्टोरी
tells us that Sindbad was a famous sailor who lived in Baghdad. मतलब इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो सिंदबाद था वो lived in Baghdad. कहाँ रहता था वो? बगदाद में रहता था और सेलर था. He was honest, generous. वो ईमानदार था, generous था and had many adventures on each of his voyages. और उसके पास हमेशा adventures रहते थे सफ़र के. उसको शौक था समंद्री सफ़र करने का. He never lost heart and hope in dangerous situations. और वो कभी भी अपनी उम्मीद नहीं खोता था डेंजरस सिचुएशन में भी. हमेशा दिमाग से काम लेता था कि चाहे कितनी भी डेंजरस सिचुएशन आ जाए. ही ओवरकेम ग्रेट डेंजरस एंड रिटर्न्ड होम सेफली फ्रॉम ईच. हर सफ़र से वो सेफली वापस आ जाता था. अपने हर सफ़र से वो सेफली वापस घर पे आ जाता था. हेयर्स द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट वॉयज. मतलब ये जो कहानी है ये इसके पहले सफ़र की है. तो चलिए हम शुरुआत करेंगे. द फर्स्ट वॉयज यानी उसका पहला समंद्री सफ़र. अब देखिए यहाँ है सिंदबाद सेट सेल विथ अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑन अ बिग शिप. देखिए यहाँ पर तस्वीर में दिखाई गई शिप पानी का जहाज़ है. तो वो पानी का जहाज़ था उसका. ये यहाँ पर इस समंदर में वो हमेशा सफ़र करता रहता था. तो उसने क्या किया, सिंदबाद सेट सेल विथ अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स. मतलब उसने जो ताजिर थे उनके साथ एक प्लान बनाया जाने वहाँ पर सफ़र पर जाने का. अ बिग शिप. किस पर? बिग शिप पर. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप्ड एट वेरियस पोर्ट्स. तो जब शिप पर लोग चले गए तो टाइम टू टाइम वो वेरियस पोर्ट्स. पोर्ट्स मतलब जहाँ पर समंदर का जहाज़ रुकता है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं. तो पोर्ट्स पर वो हमें रुकते थे. देर दे सोल्ड देर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड. वो हम हर जगह वो अपना शिप रुकाते थे पोर्ट पर और अपनी जो तिजारत का माल है वो बेचते थे और नया माल खरीदते थे. वन डे, देखिए लिखा वन डे, एक दिन क्या हुआ. वन डे when their ship was sailing smoothly across the sea, आराम से उनकी ship चल रही थी, they spotted a small island. island यानी जजीरा, जहाँ चारों तरफ पानी लेकिन बीच में पहाड़ का हिस्सा रहता है, खुश्की का हिस्सा, तो उसको कहते हैं island. तो लोगों ने island देखा at a distance, थोड़े फासले पर लोगों ने एक island देखा. they had Not seen land for many days. मतलब बहुत दिनों से उन लोगों ने ज़मीन का हिस्सा नहीं देखा था. And felt both surprised. उन लोगों को आइलैंड देख कर बहुत ताज्जुब हुआ और खुशी भी हुई. And happy. और खुशी भी हुई लोगों को आइलैंड देख कर. To see the island. आइलैंड देखकर लोगों को खुशी हुई कि बहुत दिनों से लोग सफ़र पर निकले थे पानी के और बहुत दिनों से लोगों ने ज़मीन का हिस्सा नहीं देखा था. दे सेल्ड क्लोज टू द आइलैंड. द कैप्टन ऑफ शिप अलाउड देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक. तो वो जो शिप का कैप्टन था उन लोगों को अलाउड किया. अलाउड यानी उन लोगों को परमिशन दी कि आप लोग जाओ और वो आइलैंड पर जाकर पिकनिक मना कर आओ. एवरीवन वाज एक्साइटेड. हर कोई एक्साइटेड था, खुश था. ऑन द आइलैंड
दे स्ट्रोल्ड ऑन आइलैंड, मतलब आइलैंड पर वो स्ट्रॉल्ड करने लगे. स्ट्रॉल्ड का मतलब आराम से इधर उधर घूमना. तो आइलैंड पर वो घूमने लगे. अराउंड सैंग एंड डांस, और उन्होंने क्या किया, गाना गा रहे और नाचने लगे. वहाँ पर आइलैंड पर उतर कर लोग डांस करने लगे, गाना गाने लगे. सम पीपल बिगेन टू वॉश क्लोथ्स, यानी कुछ ने कपड़े धोए. सम लिट फायर्स टू कुक मील्स, कुछ लोगों ने क्या किया, आग जलाए अपना खाना पकाने के लिए. सून, जल्द ही, अ ब्रीज स्प्रैंग अप, द फायर्स बिगेन टू ब्लेज. जल्द ही वहाँ पर धुआं हो गया और जो फायर था वो फैल गया, ब्लेज हो गया. सडनली द लैंड बिगेन टू शेक, तो क्या हो गया, जैसे लोगों ने आग जलाए, आग का धुआं फैलने लगा, तो सडनली वो शेक करने लगा. क्या, आइलैंड. शेक यानी हिलना, मिल्क शेक बोलते ना हम लोग, जो मिल्क को हिला के बनाया था, तो शेक यानी हिलना. तो वो जो आइलैंड जिस पे लोग खड़े थे वो हिलने लग गया. एंड मूव, और हिलने लग गया. विद अ शॉक द पिकनिक पार्टी रियलाइज डेट, द पिकनिक पार्टी रियलाइज डेट द आइलैंड वॉज नॉट एन आइलैंड एट ऑल. मतलब वो पिकनिक पार्टी को समझ में आ गया कि ये आइलैंड जो है वो आइलैंड नहीं है. दे वेर ऑन द बैक ऑफ अ ह्यूज ह्यूज सी मॉन्स्टर. ह्यूज सी मॉन्स्टर यानी उन लोगों को जल्दी समझ में आ गया कि वो आइलैंड नहीं है, ज़मीन का खुश्की हिस्सा नहीं, बल्कि वो एक समंदरी हैवान है, जिसको लोग चट्टान समझ रहे थे, जजीरा समझ रहे थे. वो क्या था, वो समंदरी कोई जानवर था. एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग, और वो हिलने लग गया. पीपल बिगेन टू स्क्रीम, वो जो लोग थे वो कांपने लग गए, डर गए. दे लेफ्ट देर पॉट्स एंड पैंस, उन्होंने अपने पॉट्स और पैंस को वहीं छोड़ दिया, और क्या करने लगे वो, देयर क्लोथ्स, और अपने कपड़े भी वहीं छोड़ दिए. बोथ वॉश्ड एंड अनवॉश्ड, यानी धुले हुए और बगैर धुले हुए कपड़े भी उन लोगों ने वहीं पर छोड़ दिए. पॉट्स एंड पैंस भी वहीं छोड़ दिए, और क्या किया उन्होंने, एंड रश्ड बैक टू द शिप, और शिप की तरफ उन लोगों ने दौड़ लगाई. रश्ड यानी भागना, दौड़ना, दौड़ लगाई. द कैप्टन, अब जो शिप का कैप्टन था उसने क्या किया, द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मैन टू सेट सेल इमीजिएटली इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर. तब कैप्टन ने क्या किया, जल्दी से ऑर्डर दिया कि शिप को सेल किया जाए. सेल का मतलब यहाँ सेल है. सेल यानी कश्ती का चलना, तैरना पानी में. तो जल्दी से उसने क्या किया, कैप्टन ने अपने आदमियों को कहा कि जल्दी से जहाज़ को चलाना शुरू करो और ये मॉन्स्टर के पास से दूर लेकर चलो. फिर उसके बाद देखिए दूसरे पेज पे आइए. यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, ये पूरा समंदर दिखाया गया है, ये सी है. ये देखिए लोग भाग रहे, यहाँ पर देखो दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये आग जलाए थे लोगों ने यहाँ पर. और जब वो हिलने लग गया, मूव करने लग गया, तो ये जो लोग है वो डर गए और वो भागने लग गए शिप की तरफ. किसकी तरफ भागने लग गए, शिप की तरफ भागने लग गए. यहाँ पर देखिए ये समंदर की लहरें उठ रही है, तो लोग जो है वो शिप की तरफ भाग रहे हैं. ये जो है ये सिंधबाद है. ये कौन है, ये सिंधबाद है, इसका नाम है सिंधबाद, जिसकी स्टोरी हम पढ़ रहे हैं. तो फिर क्या हो गया, कैप्टन ने
कैप्टन ने क्या किया, वहाँ से सी को, शिप को ले जाने के लिए कहा। अब ये देखिए यहाँ पर, द सी मॉन्स्टर प्लंग्ड डीप इनटू द सी। अब क्या होगा, सी मॉन्स्टर ने डीप इनटू द सी मतलब प्लंग्ड, उसने उस क्या किया, जोर से अंदर पानी में डुबकी लगाई। इनटू द सी मैनी ऑफ पीपल मैनेज टू क्लाइंब अबाउट द शिप बट मैनी सैंक इनटू द सी विथ द सो कॉल्ड आइलैंड। अब क्या होगा, मॉन्स्टर ने डुबकी लगाई तो बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी चढ़ गए, क्लाइंब करना यानी चढ़ना, वहाँ पर शिप पर चढ़ गए और अपने आप को उन लोगों ने बचा लिया। लेकिन जो सिंधबाद था, सिंधबाद अलोन डिड नॉट ड्रोन इन द सी, तो सिंधबाद अकेला वहाँ रह गया, बट ही कुड पानी में रह गया वो, ही कुड नॉट रीच द शिप और वो शिप पर नहीं चढ़ सका। ही सॉ इट सेलिंग फार और उसने देखा कि शिप जो है वो तैर कर चला गया दूर, फार फार बहुत दूर चला गया, और जो सिंधबाद था वो पानी में रह गया। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स मतलब अभी वो, वेव्स का मतलब होता है लहरें, अब वो लहरों के रहमो करम पर था, लहरों में ही था, जहाज चला गया था। बीइंग टॉस्ड हेयर एंड देयर, टॉस्ड करना यानी इधर उधर उछाला जाना, सिक्का उछालते ना हम लोग, सिक्का टॉस्ड करो बोलते हैं कॉइन, तो वो लहरें उसको इधर उधर उछालने लगी। ही क्लंग टू अ पीस ऑफ वुड, उसको क्या हो गया, एक वहाँ पर वुड यानी लकड़ी, लकड़ी का एक पीस मिल गया उसको, एंड somehow managed to keep afloat और उसको तैरने में आसानी होने लगी, फ्लोट करने यानी तैरने, लकड़ी के साथ वो तैरने लगा। ही स्पेंट द नाइट अलोन, उसने अपनी पूरी रात अकेले वहाँ गुजारी, कहाँ पर, पानी में गुजारी उसने अकेले, एट सी देखो समंदर में उसने पूरी रात अकेले गुजारी, किसने, सिंधबाद जहाजी ने। व्हेन द नेक्स्ट डे, जब दूसरा दिन आया, डॉन्ड, व्हेन द नेक्स्ट डॉन्ड सिंधबाद वॉज हैप्पी टू सी दैट ही हैड फ्लोटेड नियर एन आइलैंड। उसने, वो बहुत खुश हुआ दूसरे दिन कि वो तैरते लकड़ी के साथ तैरते नियर एन आइलैंड वो एक आइलैंड के पास पहुंच गया था। अ रियल बिग आइलैंड मतलब अब जो उसको आइलैंड दिखा वो रियल और बिग आइलैंड था, वो जो पहले जो था वो समंदरी जानवर था, लेकिन ये जो आइलैंड अब उसको दिखा वो सचमुच का आइलैंड था बड़ा सा। ही कुड सी हिल्स एंड वुड्स, वो आइलैंड पर हिल्स यानी पहाड़ और वुड्स देख रहा था, मतलब पहाड़ और लकड़ियाँ वहाँ पर वो देख रहा था। एंड ट्रीज एट अ डिस्टेंस, दूर से फासले पर से वो दरख्त भी वहाँ से उसको नजर आ रहे थे। दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक गया था तैरते पूरी रात। ही स्वैम टू द शोर, ये शोर का मतलब होता है समंदरी किनारा, साहिल। ही स्वैम टू द शोर विथ ऑल द स्ट्रेंथ दैट ही कुड मस्टर, मतलब उसने अपनी पूरी ताकत से तैर कर अपने आप को साहिल की तरफ लेकर आया, एग्जॉस्टेड एंड हंगरी।
वो भूखा हो गया था, उसने आपको अपने आप को भूखा महसूस किया कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है. ही ले ऑन द सैंड फॉर सम टाइम. उसने क्या किया, लेट गया वो सैंड पर. सैंड यानी रेत. रेत पर कुछ देर के लिए लेट गया, थक गया था वो. देन अगेन, उसके बाद दोबारा उसने ही मेड एन एफर्ट एंड बिगेन टू वॉक इनलैंड टूवर्ड्स द शेडी फ्रूट ट्रीज दैट ही कुड सी एट अ डिस्टेंस. फिर थोड़ी देर वो उस पर लेटा रहा रेत पर, और उसके बाद उसने फिर अपने आप को चलने के लिए तैयार किया और जो सायादार दरख्त थे वहाँ से वो चलने लगा. लकीली नसीब से उसके लकीली उसको दिस वॉज द टाइम व्हेन द किंग ऑफ दैट आइलैंड सेंट हिज हॉर्सेज टू द सी शोर विथ द ग्रूम्स. लकीली क्या था, लकीली क्या हो गया कि जो उस आइलैंड का किंग था, तो उसने उसी टाइम पर, जो वहाँ का राजा था, उसने उसी टाइम पर अपने उसके जो घोड़े चराने वाले थे, ग्रूम्स का मतलब होता है घोड़े संभालने वाले, घोड़ों की देखभाल करने वाले, तो उसने किंग ने अपने घोड़े संभालने वाले को घोड़ों के साथ, उसके हॉर्सेस के साथ सी शोर पर भेज दिया था, साहिल पर अपने घोड़ों के साथ. तो क्या हो गया, ग्रूम्स को देखा उसने, द ग्रूम्स सॉ सिंधबाद. वो ग्रूम्स ने जो घोड़े वाले थे, घोड़े संभालने वाले, उन्होंने सिंधबाद को देखा एंड गेव हिम फूड, और उन्होंने सिंधबाद को फूड दिया, खाना दिया, एंड ड्रिंक, और पीने के लिए कुछ दिया उन लोगों ने. देन दे टुक हिम टू द किंग, और फिर उन लोगों ने क्या किया, उसको किंग के पास ले गए. किसको, सिंधबाद को. द किंग नेक्स्ट पेज पे आइए. द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे सिंधबाद टोल्ड हिम अबाउट वॉट हैड हैपन्ड. तो वो किंग था, वो बहुत इम्प्रेस्ड हुआ उसकी कहानी सुनकर, उसके बारे में सुनकर के उसके साथ साथ उसके साथ क्या हुआ था. ही आस्क्ड सिंधबाद टू स्टे विथ हिम. उसने सिंधबाद से कहा कि तुम हमारे साथ रहो, स्टे यानी रहो. स्टे विथ हिम एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग. और उसने उसको कहा कि आप हमारे यहाँ ऑफिसर की एज अ वर्क करो, वहाँ पर ऑफिसर की जॉब करो, एट द पोर्ट, बंदरगाह पर आप ऑफिसर के तौर पे काम करो. सिंधबाद स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज. सिंधबाद वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रह गया. लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द किंग, और उसने किंग से बहुत कुछ सीखा. लर्निंग यानी सीखना. एंड द पीपल ऑन द आइलैंड एंड इन टर्न टेलिंग देम अबाउट द अदर सिटीज एंड पोर्ट्स दैट ही हैड विजिटेड. और वो वहाँ के लोगों को अपने बारे में बताता था कि कहाँ कहाँ वो विजिट करके आया है. एट द पोर्ट, एक बार पोर्ट पर सिंधबाद ऑफ्टन मेड इंक्वायरीज अबाउट एनी ships कमिंग फ्रॉम और गोइंग टू बगदाद. हमेशा की तरह सिंधबाद एक मरतबा इंक्वायरी कर रहा था बगदाद से आने वाले और जाने वाले ship के बारे में, क्योंकि उसका मुल्क जो था वो बगदाद था, बगदाद का रहने वाला था ना वो. बट नो सच ship एवर केम टू दैट पोर्ट. लेकिन कोई शिप वहाँ पर बगदाद से नहीं आ रही थी. देन वन डे अ शिप अराइव्ड एट द आइलैंड विथ अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज. लेकिन एक दिन क्या हो गया कि उस आइलैंड पर
बहुत सारे तिजारत का माल लेकर एक शिप आया, एक जहाज आया। सिंधबाद वॉज एट द क्वे व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वॉज बीइंग, तो वो वहाँ पर खड़ा था देखने के लिए, अनलोडेड जब हो रहे थे शिप में से, अनलोडेड यानी शिप में से सामान उतारा जाना, जब शिप में से सामान उतार जा रहा था तो सिंधबाद वहीं खड़ा था। ही वॉज सरप्राइज्ड, उसको बहुत ताज्जुब हुआ टू सी दैट हिज ओन नेम वॉज मार्क्ड ऑन, उसने उसको बहुत ताज्जुब हुआ ये देखकर उसका खुद का नाम लिखा हुआ था सम ऑफ द बॉक्सेस, कुछ बॉक्सेस पे उसका नाम लिखा हुआ था। देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप, तो उसने फिर कैप्टन शिप के कैप्टन को देखा। एट फर्स्ट द कैप्टन वुड नॉट बिलीव्ड दैट इट वॉज द सेम सिंधबाद दैट दे हैड सीन ड्रॉनिंग इन द सी, तो शिप का जो कैप्टन था उसको पहले यकीन नहीं हुआ उसको ये देख कर कि ये वही सिंधबाद है सेम जो पानी में, समंदर के पानी में ड्रॉन्ड हो गया था, जो समंदर के पानी में डूब गया था, उन लोगों ने उसको डूबते हुए देखे थे, उसको बहुत हैरत हुई, उसको यकीन नहीं आया। बट व्हेन सिंधबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस, लेकिन जब सिंधबाद ने उसके साथ आमने सामने बातचीत की फेस टू फेस, ही रिकग्नाइज, तो उसने पहचान लिया उसको, ही रिकग्नाइज हिम, ही वॉज ओवर जॉयड, वो बहुत खुश हुआ टू सी सिंधबाद अलाइव, तो वो जो कैप्टन था उसने सिंधबाद को अलाइव यानी जिंदा अलाइव देखकर कैप्टन बहुत खुश हुआ। ही गेव हिम बैक ऑल हिज मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज यानी तिजारत का सामान, वो कैप्टन ने उसका पूरा जो भी सिंधबाद का तिजारत का सामान था वो उसको वापस दे दिया। फ्रॉम द गुड्स दैट ही दस गॉट बैक, तो वो उन चीज़ों में, गुड्स ये गुड्स का मतलब होता है चीज़ें, तो उन वो चीज़ें जो बॉक्सेस में से थी, तो उसमें से क्या किया सिंधबाद ने, सिंधबाद प्रेजेंटेड द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स टू द किंग, तो उसने क्या किया बहुत जो कीमती चीज़ें थी उसने वो किंग को प्रेजेंट की, क्या कि आइटम्स जो आइटम्स थे वो किंग को प्रेजेंटेड टू द किंग, आइटम्स जो थे वैल्यूएबल कीमती उसने किंग को दिए। आई एम सेइंग प्लीज एक्सेप्ट दिस योर मैजेस्टी, उसने किंग को कहा कि प्लीज़ आप ये एक्सेप्ट कीजिए गिफ्ट मेरी तरफ से, यू हैव बीन वेरी काइंड, आप बहुत रहमदिल हो, काइंड का मतलब होता है रहमदिल, काइंड यानी रहमदिल। सिंधबाद ने किंग से कहा कि आप बहुत काइंड हो, वेरी जेनरस हो, बहुत अच्छे हो टू मी, आप लोगों ने बहुत अच्छा सलूक किया मेरे साथ। द किंग वॉज प्लीज्ड, ये प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, तो किंग बहुत खुश हुआ। ही टू गेव सिंधबाद, और उसने भी सिंधबाद को मैनी वैल्यूएबल, उसने भी सिंधबाद को बहुत सारी वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए। व्हेन सिंधबाद लेफ्ट द आइलैंड, और जब सिंधबाद आइलैंड छोड़ने लगा विथ द मर्चेंट शिप, और फिर उसने मर्चेंट शिप के साथ वो आ गया और आइलैंड को उसने छोड़ दिया। इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट हैपेंड टू सिंधबाद आफ्टरवर्ड्स, यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ हिज फैंटेस्टिक वॉयज, अगर आप लोगों को ये मालूम करना है कि इसके बाद सिंधबाद के साथ क्या हुआ, तो आप लोगों को उसकी जो स्टोरी की बुक है वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगी। तो ये था हमारा
आज का स्टोरी सिंदबाद की कहानी। तो इसमें देखिए यहाँ पर मीनिंग्स दिए हुए हैं, मर्चेंडाइज यानी जो तिजारत का सामान होता है उसको मर्चेंडाइज कहते हैं, गुड्स और थिंग्स। फिर स्ट्रोल्ड यानी वॉक्ड हेयर एंड देयर विदाउट हरिंग यानी आराम से घूमना। इस तरह से देखिए यहाँ पर इसके मीनिंग्स दिए गए हैं आपकी बुक में। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं, आपको क्या करना है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर एक काम कीजिए, ये मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है आप लोग, ये बना लीजिए। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें से आप लोगों को 5 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। ये जो ये दिया ना मर्चेंडाइज, इसमें से आप लोगों को 5 वर्ड्स बनाना है। ये काम कर लीजिए। थैंक यू। और इस स्टोरी को याद रखिए।